स्कॉर्पियो बेस आया था। आईब्रो DRL तो दिख रही है जैसे S11 में आती है। कलर मोड भी होता है, मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। तो ये देख सकते हो आप, ये ऐप कंट्रोल चेंज हो सकती है, कौन सा कलर ऐप के थ्रू सेट करना चाहो वो कोई सा भी कलर इसमें कर सकते हो। जो इसमें अपना LED लगा है। फॉग लैंप में कितने वॉट लगा है? फॉग लाइट में 130, ऊपर भी 130। तो फ्रंट से कुछ ये लुक आ रहा है। तो सबसे पहले इसमें साइड मिरर चेंज हुआ है। तो स्कैनिंग फंक्शन ऐसे कुछ काम करता है, इस वाइपर इंस्टॉल करा है, ये देख सकते हो वाटर स्प्रेयर भी वर्क कर रहा है इसमें। ये चलते हैं क्लासिक है इसके इंटीरियर में। हेलो, तो धमाका जो है वो डोर पैनल के अंदर ही है। डोर पैनल कंप्लीट इसमें जो ठीक है। S11 वाला फ्रेम स्टीयरिंग में हमने इसमें कंट्रोल्स ऐड ऑन करे हुए हैं। मीटर भी आपको दिखेगा S11 वाला, है ना, 150 वाट में। ठीक है, अंधेरा कर दो, अभी दिन कर दिया रात में। हेलो, अंधेरा कर दिया। ठीक है, अंधेरा कर दिया। Fearless. So hi guys, welcome back to our channel. तो आज दुकानें बढ़ते हुए क्या दिखा रहे हो? स्कॉर्पियो बेस आया था, इसको बना दिया। बेस मॉडल तो लग रही है अभी भी। अभी भी लग रहा है, जो पेंट यहाँ से नीचे देखो, जो पेंट नहीं हुआ और DRL भी नहीं हुआ। भैया पसंद नहीं था DRL, बट ऑप्शन है, लगवा सकते हो। ठीक है, इसके अंदर मेनली फ्रंट से सिर्फ चेंज हुआ है ग्रिल। मैं बता दूँ, भैया ने ग्रिल कंपनी से लगवाए थे और कुछ काम भैया ने, एंड्रॉइड हो गया, स्पीकर हो गया, कैमरा हो गया, रूफ रेल हो गया, स्पॉलर हो गया, और भैया ने क्लासिक के अलॉय भी लगवा के आए थे, मगर भैया ने उतरवा के 22 इंची के यहाँ पे लगवा लिया है। ठीक है, वो दिखाएंगे जैसे जैसे वीडियो होगी। फ्रंट से हमारे पास बेस मॉडल आई थी, ग्रिल चेंज कर दी, इसको कर दिया क्लासिक S11 वाली। क्लासिक अपना बेस था, इसको टॉप बना दिए, सिर्फ पेंट छोड़ के अपना S11 छोड़ के अपना, इसको हम क्लासिक S11 एडिशन कह सकते हैं इसे, हम इसको GT Line एडिशन कह सकते हैं। ठीक है, वो कैसे, क्योंकि आईब्रो DRL तो दिख रही है जैसे S11 में आती है, तो उससे हटके इसमें क्या करा हुआ है? सबसे पहले मैं बता देता हूँ, इसमें जो बेस मॉडल में अपना जो हेडलाइट आता है, विदाउट DRL आता है, विदाउट प्रोजेक्टर आता है। ठीक है, तो इसके अंदर S11 वाला है, प्रोजेक्टर वाला है। S11 वाला प्रोजेक्टर हमने डाल दिया पूरी कंप्लीट, उसके साथ इसमें हमने डाल दिया DRL के अंदर अपना रिंग, जो डायमंड रिंग डाल दी, उसका कलर मोड भी होता है, मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। ठीक है, तो कलर मोड दिखाते हैं इस पर चेंज करके एक बार। मैं दिखा देता हूँ, देखो आप। तो ये देख सकते हो आप, ये ऐप कंट्रोल चेंज हो सकती है, कौन सा कलर ऐप के थ्रू सेट करना चाहो वो कोई सा भी कलर इसमें कर सकते हो, मल्टी मोड भी कर सकते हो, सारे कलर अपने चेंज होता जाएगा। और इससे पहले भी हम कर रखे हैं और सेकंड टाइप भी हमारे पास ही हुआ अभी तक। ठीक है, काफी अच्छा लग रहा है देखने में। बिल्कुल, नाइट मोड में आपको जो रेड कलर है ना उभर के आएगा और एकदम से अच्छा लुक आएगा। ठीक है, तो फ्रंट्स की बात खत्म करते हैं, इसमें LED कुछ सेटअप करा है? सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, जो इसमें अपना LED लगा है। ठीक है, फॉग लैंप, फॉग लाइट अपना लगा है, मैं दिखा देता हूँ आपको। फॉग लाइट की असेंबली भी इसमें चेंज है। ठीक है, इसमें भी LED है, इसमें भी LED है। तो पहले फॉग लैंप दिखाते हैं, उसका ब्राइटनेस दिखाते हैं सबसे पहले। तो ये अभी फॉग लैंप का ब्राइटनेस है। फॉग लैंप में कितने वॉट लगा है? फॉग लाइट में 130, ऊपर भी 130, मतलब हाई में भी 130, लो में भी 130। ठीक है, पूरा 130 वॉट का ही सेटअप है सारा। ठीक है, तो एक बार जलाना। हेलो, ठीक है, हेडलाइट में रिस्पॉन्स ज़्यादा मिल रहा है क्योंकि प्रोजेक्टर है। बिल्कुल, ठीक है, तो ये रिस्पॉन्स मिलेगा आपको हेडलैम्प का। फ्रंट से देखोगे तो काफ़ी ब्राइट है, तो फ्रंट से कुछ ये लुक आ रहा है, तो काफ़ी अच्छी लग रही है रेड में, एक बीस्ट वाला लुक आ रहा है स्कॉर्पियो का। जो मेन अट्रैक्शन है वो तो साइड से ही है। साइड से है, और दिखा भी दूँ तो लो। तो आपको दिखाते हैं कितने इंचेस हैं ये? 22 इंची, 22 इंचेस एलॉयज हमने इंस्टॉल करे इसके अंदर, और काफ़ी गाड़ी एक बल्कि लुक में दिख रही है। इसमें भैया ने स्टॉक टायर के अंदर ही कंपनी से, जो महिंद्रा S11 क्लासिक में आते, भैया ने लगवा के आए थे। शायद भैया ने कल ही गाड़ी उठाया, परसों उठाया, आज भैया ने हटवा के 22 इंची का लो लगवा लिया और टायर लगवा लिया एक्सचेंज में। ठीक है, एक्सचेंज करके वो भैया से लास्ट में, बाकी इसकी जो भी प्राइसिंग है भैया पूरी आपको बता देंगे। ठीक है, तो दिलीप भाई, जैसे हम आज खो ही गए इस गाड़ी को देख के, कॉस्टिंग तो भूल गए। कॉस्टिंग भूल गया, देखो मेन होता काम। ठीक है, कस्टमर एक बार आया, काम अगर करवा रहे, अगर अच्छे काम हो जाए तो मेन वेटर हुआ है। साइड से इसमें क्या क्या चेंजेस करा है अभी? साइड में बता देता हूँ, सबसे पहले पेंट तो नहीं हुआ ना, कि भैया के पास टाइम था, एक दिन का टाइम था, और एक दिन में जो होने वाला तो मैंने करके दिया और अच्छा करके दिया। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें साइड मिरर चेंज हुआ है। ठीक है, जो एक S11 में आता है स्विच से एडजस्टमेंट वाली। ठीक है, भैया ने कंपनी से फुटरेस्ट लगवा के आया, जैसा हम हमेशा दिखाते हैं कंपनी जो फुटरेस्ट लगाती है, ये देख सकते हो कॉर्नर है ही नहीं इसके अंदर। फुटरेस्ट लगाया, बट जो उन्होंने कॉर्नर लगाया ना, जो पहले S5 में आता था, वो वाला कॉर्नर लगा दिया है। ठीक है, तो हमारे पास अगर आता तो फुटरेस्ट मिलेगा और आपको विद कॉर्नर के साथ मिलेगा, जो ये गैपिंग है ना ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, अपने पास जेन्युइन मिल जाएगा विद कॉर्नर के साथ, कॉर्नर के साथ। ठीक है, तो साइड मिरर अपना चेंज है? साइड मिरर चेंज है, जो स्विच एडजस्टमेंट वाली है। ठीक है, अंदर से एडजस्ट, फोल्डिंग नहीं होता, सिर्फ एडजस्ट होता है। फोल्डिंग करवा सकते हो, बस फोल्डिंग
करवाना बेकार है क्योंकि उसमें वायरिंग का जुगाड़बाजी होता है और कटआउट लगता है। ठीक है, तो अपना डोर वाइजर इंस्टॉल हुआ है जेन्युइन महिंद्रा? भैया ने महिंद्रा के कंपनी से लगवाए हुए, अगर हमारे पास चाहिए आपको वो भी मिल जाएगा। ठीक है, रूफ रेल? रूफ रेल भैया ने कंपनी से लगवाया और पहली बार तो देखो लगाया ठीक है, महिंद्रा वाले ने भी इस बार भैया को ओरिजिनल लगा के दिया, पर कई गाड़ी में ऐसे होते हैं जो छुपा के देते। तो अपना बोल्ट सिस्टम है, देखो मैं हमेशा की तरह दिखाता हूँ, हम भी लगाते हैं कुछ अपना इस तरह की, देखो। ठीक है, देख सकते हैं पूरी गाड़ी हिल गई, लेकिन ये रूफ रेल नहीं जाएगा, ओरिजिनल है, बॉडी होलो के लगा हुआ है। अगर महिंद्रा लगाती है बोल्ट वाला तो इंस्टॉल करवाना, वरना मत करना। महिंद्रा ने लगाया इसमें, ओरिजिनल लगाया और बोल्ट वाला लगाया, कई बार महिंद्रा के एसेसरी में जिन कस्टमरों को पता नहीं होता है वो छिपाने वाला लगा देते हैं। ठीक है, तो ये साइड हमने कवर कर ली, अब दिखाते हैं पीछे से क्या क्या चेंजेस करा हुआ। पहले मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें पिलर लाइट है। तो स्कैनिंग फंक्शन ऐसे कुछ काम करता है इसका, और ब्रेक के साथ अभी जल रही है, और साथ ही साथ दिलीप भाई वाइपर भी वर्किंग कर रहा है इसका। आदि हमने वाइपर इंस्टॉल करा है, वाटर स्प्रेयर बिल्कुल, तो ये देख सकते हो वाटर स्प्रेयर भी वर्क कर रहा है इसमें। ठीक है, तो इसके लिए स्पॉइलर भी लगा है? स्पॉइलर भैया ने कंपनी से लगवा के है। ठीक है, जो ओरिजिनल है आप लगवा सकते हो। ठीक है, स्पॉइलर जो S11 का उसके अंदर पहले से ही आता है ये वाटर स्प्रेयर का, तो इजीली भैया ने आगे से वाइपर लगवाया स्पॉइलर के पैसे। जो वाइपर लगा महिंद्रा के सारा पार्ट डला है और जो कि ओरिजिनल होता है विद ऑटो कट के साथ हुआ है, विद ऑटो कट रहने वाला है। जो अपना पीछे से लुक आ रहा है गाड़ी का कुछ इस टाइप का आ रहा है, तो काफी अच्छी लग रही है गाड़ी देख। एक चीज और बता देता हूँ, भैया ने कंपनी से इसमें स्टूडियो 4 स्पीकर लगवा के आते हैं। ठीक है, पीछे लगाया होगा स्पीकर, भैया ने अपना सारे स्पीकर चेंज करवा दिए और कैमरा तक भी यहाँ पे चेंज करवा दिया भैया ने। ठीक है, तो भैया ने ये लगाया था स्पीकर, भैया को कंपनी वाले ने पानी तक नॉर्मल लगा के दिए थे। ठीक है, छोटे वाले लगा, छोटे वाला जो आता है जो एक टॉप मॉडल में आता है उस तरीके का। ठीक है, S11 में जो आता है सेम ऐसे वाला, हमने उसको हटा के प्रॉपर इसको जो हमने पानीर के सारे 600 वाट को ओवर डाले। ठीक है, उसके बाद अपना पूरी इसको रैप किया गया ब्लैकिंग में। ठीक है, इसमें आता था बेज कलर, बेज कलर आता है जो इस कलर का आता है, उसके साथ साथ हमने ये भी किया है, बेज कलर आता था हमने इसको टोटली चेंज कर दिया और इसके अंदर साथ ही ओवल स्पीकर, पायनियर की एस सीरीज, पायनियर की एस सीरीज। ठीक है, तो अंदर से दिखाते हैं अंदर से क्या क्या काम करा। चलते हैं क्लासिक है इसके इंटीरियर में, तो इंटीरियर से देखते हैं और कुछ भयंकर धमाका के साथ। ये लो, तो धमाका जो है वो डोर पैनल के अंदर ही है, डोर पैनल है जो कि पूरी एक महिंद्रा के सारे पार्ट डलता है, स्विच लैच वायरिंग टोटल कंप्लीट, जब जाकर लगता है पूरी डोर पैनल कंप्लीट इसमें जो। ठीक है, ये डोर पैनल S11 का तो है, लेकिन इसमें एक एडिशनल चीज आ रही है, ये लेदर रैप। मैं बता दूं, एक इसमें जो सीट को जो लगा है अल्ट्रा कॉम्फर्ट, उसके हिसाब से इसमें रैपिंग किया गया हुआ है। ठीक है, साथ में इसमें एम्बियंट लाइट लगा के दिया गया हुआ है जो कि एक डोर पैनल की प्राइस से अलावा अलग है। तो ये दो चीजें एडिशनल आती है S11 का डोर पैनल में, सेम यही कलर का, इसी कलर का जो कपड़े आता है। ठीक है, और बात करें यहाँ पे हमने ट्विटर पॉड बना दिया, जो अपना स्टिक आती थी यहाँ पे, स्टिक आता था जो पायनियर कंपोनेंट डाल दिया। ठीक है, अपना एडजस्टिंग का यहीं से हम एडजस्ट कर सकते हैं, ये देख सकते हो राइट लेफ्ट अप डाउन, इजीली आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो इसके सारे, और एक बार कंट्रोल भी करके दिखा दो विंडोज का। तो ये देख सकते हो आप, ये आपका पीछे वाला, उसके बाद और पीछे वाला डोर दिखाते हैं आपको, लॉकिंग सिस्टम भी करके दिखाता हूँ, पहले तो मैं आपको यहाँ से चला के दिखा दूँ। ठीक है, हेलो, ये रहा स्विच, और सबसे पहले इसमें देखो अभी हो गया लॉक, तो चाइल्ड लॉक लगा दिया तो वर्क नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा, तो एग्जैक्ट सेम जो S11 में आता है फंक्शन सेम वैसे ही करेगा, जो एक S11 में आता है नहीं जो लगा दिया और कुछ चीज़ उसमें वर्क नहीं करेगा। ठीक है, जो एक S11 में आता है सारा चीज़ वर्किंग करके दूंगा। ठीक है, सारे डोर पैनल हमारे न्यू होते हैं, ये नहीं कि कोई ओल्ड लगा रहा हो, एक एक पार्ट आपको महिंद्रा ओरिजिनल पार्ट मिलेगा। ठीक है, उस साइड से आओ दिलीप भाई, अंदर से दिखाते हैं, तो इंटीरियर दिखाते हैं, इंटीरियर आज सबसे प्यारे लग रहे हैं इसके सीट कवर्स, जो इसमें सीट कवर डाला गया हुआ है एक अल्ट्रा कॉम्फर्ट सीट कवर डाला गया हुआ, जो कि भैया को जो पसंद था फुल ब्लैक था। ठीक है, और भैया ने इसमें ब्लैक कलर के भी डलवाया, तो एक अच्छी लेवल अच्छी क्वालिटी डलवाया जो कि इसकी 5-6 साल इनकी लाइफ है। ठीक है, उसके साथ भैया ने इसमें डलवाया एक S11 के जो ओरिजिनल एक आर्मरेस्ट आता, एक ही सीटों में भी ओरिजिनल वाला दोनों सीटों में है इंस्टॉल करा, ये नहीं कि आगे लड़ाई करे दोनों भाई, दोनों अपने अपने आर्मरेस्ट में हाथ रख के जा सकते हैं, लेकिन सीट कवर की क्वालिटी काफी अच्छी लग रही है भैया, 5 साल तो कहीं नहीं जाना है। ठीक है, मतलब इसमें वारंटी मिलती है हमें, कम से कम आपको 5 साल तो चलना ही है। बाकी इस साइड का एक बार दिखा देता हूँ सीट कवर, तो ऐसे ही आपको पीछे के सीट कवर्स भी दिखा देता हूँ, पीछे की जो सीट कवर की क्वालिटी रहने वाली है अल्ट्रा कंफर्ट, ये लॉन्ग ट्रेवल करते हुए काफी अच्छी कुशनिंग फील होती है। भैया को देखो सीट कवर मैंने दिखाया बहुत है, और भैया पसंद था सिर्फ यही लगाना। ठीक है, यही लगाना था, भैया ने बोल दिया मुझे अल्ट्रा कम्फर्ट चाहिए, बना के लगाए हैं। ठीक है, पहले ही कस्टमर से डिसाइड कर लेते हैं, उन्हें पैटर्न दिखाते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि कौन सा पसंद आया वो गाड़ी में इंस्टॉल होता है। और नीचे हमने फ्लोरिंग करी है? फ्लोरिंग नहीं हुआ है। ठीक है, सिर्फ 70 डलवाया है। ठीक है,
और उसके साथ साथ जो भी इसमें जो काम हो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले एसी क्रोम नहीं दिखेगा, एसी क्रोम नहीं दिखेगा, एक एसी क्रोम और एक आपका हेडलाइट के जो नीचे अपना डीआरएल जो ओरिजिनल था बम्पर डीआरएल जो कि महिंद्रा का ओरिजिनल भैया ने वो चीज़ें नहीं डलवाया। ठीक है, तो फ्रंट से अगर दिखाएं तो सबसे पहले इसके अंदर हमने इंस्टॉल करा है S11 वाला फ्रेम। ये तो डालूंगा ही डालूंगा, कस्टमर ना बोले फिर भी डालूंगा। ठीक है, ना बोलोगे तब फिर भी डालूंगा क्योंकि इसके साथ देख रहे हो कितना, इसके साथ ही जो गेटअप आता है वो नेक्स्ट लेवल गेटअप आता है, इसके बिना तो बहुत ही बेकार लगती है। एक नॉर्मली एक ब्लैक ब्लैक होता है उसके अलावा, बट ये डाल के दूंगा ज्यादा बेटर। ठीक है, हमारे पास ब्लैक वाला नहीं मिलेगा, मतलब कि मिलेगा पर हम अवॉइड करते हैं वो लगाना। बिल्कुल, जब हमारे पास कोई कस्टमर दूर से आता है तो काफी अच्छा लगता है ये वाला फ्रेम, तो इसलिए हम वही रिकमेंड करते हैं। ठीक है, तो और स्टेयरिंग की बात करें, स्टेयरिंग में हमने इसमें कंट्रोल्स एड ऑन करे हुए हैं जो क्लासिक के बेस मॉडल के स्टेयरिंग बिल्कुल नॉर्मल एक डमी आता है। ठीक है, ना कि कंट्रोल होते हैं, ना कि स्टेयरिंग कवर होते हैं, ना कि इसमें यू होते हैं वो मैट ब्लैक होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमने इंस्टॉल कर, सबसे पहले लेदर ऐप करा हुआ है हमने, जो स्टिचिंग देख सकते हो आप बिल्कुल काफ़ी OEM को टक्कर दे रही है, मतलब एक स्टेयरिंग को देख के पता नहीं लगेगा कि आपका स्टेयरिंग आपके हाथ में जो है बेस मॉडल का है। अगर आप यहाँ से देखोगे तब लगेगा स्टिच है, वैसे तो लग ही नहीं रहा कि स्टिच है। और उसी के साथ ही साथ इसमें एक यू है जो हमने हाइड्रो डिप वाला पार्ट लगाया हुआ है, इसमें जो आता था मैट आता था, मैट आता है। ठीक है, स्टेयरिंग कंट्रोल हमने इसके अंदर यूज़ करे हुए हैं जेन्युइन S11 वाले, और अगर स्टेयरिंग पकड़ोगे तो S11 चला रहे ऐसा लगेगा बिल्कुल, क्योंकि सामने मीटर है। ठीक है, मीटर भी आपको दिखेगा S11 वाला विदाउट एनी लैग, एक बार स्टार्ट करके भी दिखा देता हूँ कि कोई लैग का इशू तो नहीं है। दो चीज़ में वर्किंग करेगा, एक न्यूट्रल का और दूसरा जो होगा आपका गियर शिफ्टिंग का, न्यूट्रल और गियर शिफ्टिंग दिखाएगा अभी न्यूट्रल पे है तो न्यूट्रल दिखा रहा है, लेकिन इसके मीटर की जो ब्लू लाइट है वो काफी अच्छी लगती है, वो ग्रीन वाली तो बहुत ठीक है। जैसे आप ड्राइव करोगे तो आपको लगेगा S11 कर रहे हो, लेकिन ये रंगीन लाइट है, एम्बियंस लाइट है, कोई सिंगल कलर भी कर सकते हो मोड। ठीक है, इसको अभी मल्टी कलर में करा हुआ है, आप चाहो तो इसको सिंगल कलर पे सेट कर सकते हो, लेकिन दिलीप भाई इतने ब्राइटनेस का राज क्या है ना 150 वाट की। ठीक है, अंधेरा कर दो, बिल्कुल अभी दिन कर दिया रात में, ये लो अंधेरा कर दिया। ठीक है, अंधेरा कर दिया, अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा, अब दिखेगा तो अब एम्बिएंट लाइट दिखा देते ना। चलो लो, तो एम्बिएंट लाइट की ब्राइटनेस देख सकते हो आप, क्या ब्राइटनेस आ रही है इसके अंदर। तो कस्टमर एंड्रॉइड तो लगवा के आ गए थे। हाँ भैया ने एंड्रॉइड लगवा के आए, और 4 स्पीकर इन्होंने पायनियर के लगा हुआ था, नॉर्मल 6 इंच होते हैं। ठीक है, तो भैया ने तो ये काफी कॉस्टली भी पड़ गया होगा भैया, बहुत महंगा पड़ा है, बट छोड़ो बताने नहीं चाहूंगा। महिंद्रा जो पपा लेते हैं एसेसरीज में पैकिंग। ठीक है, इस पे रिवर्स कैमरा भैया ने उतरवाया था, उतरवा के भैया ने ब्लोपंग का कैमरा लगवाया। ठीक है, हमारा वाला कैमरा इंस्टॉल करा, पहले आते तो डिफरेंस भी दिखा पाते कि क्या जो महिंद्रा लगा के दे रही है और जो हम लगा के दे रहे हैं तो फर्क क्या है। भैया ने 4 स्पीकर इसमें चेंज करवा के भैया ने पायनियर कॉम्बलेंट लगवाया है। ठीक है, 650 वाट का ओवर लगवाया है। ठीक है, 5 डोर इसमें डैम्पिंग हुआ है ब्राजो गोल्ड की, वो भी डबल लेयर हुआ है, और इसमें एम्पलीफायर डाला गया 2, एक मोनो डाला गया हुआ है, 4 चैनल एम्पलीफायर डाला गया हुआ है, मोनो बूफर के लिए, एम्पलीफायर अपने स्पीकर्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अपना बेस नॉब इंस्टॉल करा हुआ है। फाइनली एंड करने का टाइम आ चुका है, और भैया नहीं आ पाए, भैया नहीं आने चाह रहे रिव्यू में क्योंकि भैया इस वजह से, चलो कोई नहीं। ठीक है, भैया आते थे रिव्यू पूरा अच्छा देते हैं, और 10 में से 10 देते हैं क्योंकि भैया के जो एक स्माइल है काफी खुश है भैया, लेकिन कैमरे के आगे नहीं फेस करना चाह रहे थे, कोई रीजन होगा, पर्सनल रीजन, उनका पर्सनल रीजन है। ठीक है, तो वीडियो यही थी अपनी आज की, आई होप सो अच्छी लगी होगी, काफी अच्छी स्कॉर्पियो तैयार करी हमने, ऐसा काम करवाना है तो जय ऑटो आना पड़ेगा, जय ऑटो आना पड़ेगा, और इस लेवल के स्कॉर्पियो तैयार करवाना हो तो 1 दिन का टाइम लेके आना होगा आपको, और आ रहे हो तो एक बार अच्छे काम करवाओ, प्राइजिंग पे मत जाओ, टोटल काम करवाओ, क्वालिटी पे जाओ, मैं तो आपको यही कहूँगा। ठीक है, ऐसी गाड़ी करवानी है तैयार, दिलीप भाई का नंबर है, फ्लैश हो रहा है, बोल दो दिलीप भाई, कॉल करो, व्हाट्सअप डालो, अगर आपको कॉल कर रहे हो, कॉल पे अगर नहीं पिक कर रहा हूँ तो आप व्हाट्सअप डालो, फ्री होकर मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है।